अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे हमेशा खुशी रहे, आबाद रहे और रास्ते मुस्कुराते रहे। जी तो स्नेक दुआ के साथ करते हैं आज का व्लॉग शुरू। ये देखें माशाल्लाह कैसे शाम सुहानी लग रही है, क्योंकि शाम का टाइम है और मैंने कहा कि यहाँ पे सामान फैला हुआ था तो मैंने कहा यह समेट के रख लूँ। चार पाई तो इधर ही खड़ी करके रात को इधर ही खड़ी कर देते हैं और जो है सुबह को धूप निकलती तो फिर बिछा देते हैं। अभी मैं इसको उधर करूँगी क्योंकि मेरे हाथ में सामान है। तो यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे हैं क्योंकि इनको तो ठंड लगती नहीं, हमें तो ठंड लगती है। तो मैंने कहा फिर एक जगह पे बैठ जाएंगे शाम को। आयत, फातिमा, हफ्सा, साइम सब खेल रहे हैं आपस में। आयत जो है ना, जब बहन भाई आते हैं ना बहुत ही खुश होती है माशाल्लाह वहाँ। आयत आयत इधर, ये इनको पकड़ रही है, इनको पकड़ रही है और हंस रही है। तो माशाल्लाह अभी शाम भी होने वाली है, सूरज गरूब होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि इसका गला की आवाज आपको आ रही होगी कि ये कैसी बात कर रहा है, क्योंकि इसका गला बहुत खराब है। जिसे मुस्तफा और इसका ना गला बहुत खराब है। तो अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। हमारे आयत आप भी सलाम करो, हमेशा खुश रहे। आयत सलाम कर दो, आप भी कर दो साइम सलाम। ये भी इसका सलाम है, जैसे ये करती है ना बाय बाय, तो ये भी इसका सलाम है। साइम आया है पैसे मांगने के लिए, तो आयत फातिमा पहले आ गई, कह रही अभी मुझे दो। तो हाँ क्या हुआ, आपको दू, साइम को दूंगी, साइम को। अच्छा ये लो ये लो ये लो, आप जाओ चीज ले आओ, बिस्किट भी ले आओ, ठीक है जी। तो बच्चे गए हुए हैं बिस्किट लेने के लिए, बच्चों को भेजा मैंने, बिस्किट भी लेते हो और दूध भी ले आओ। शाम की चाय मैं बनाऊंगी क्योंकि अम्मी अबू भी आने वाले हैं, वो भी पहुंचने वाले होंगे, तो इसलिए मैं अम्मी अबू और मैं जो है ना चाय पियेंगे बना के। तो यहाँ पे खाना बनाने जा रही थी तो फोन आ गया कि जो है ना हमारे मेहमान आ रहे हैं, तो मेहमान जब पहुंचेंगे तो वो भी मैं आपसे मिलवाऊंगी कि वो कौन आ रहे हैं हमारे। तो अम्मी अबू के लिए तो मैंने आटा गूंदा था, तो उनके लिए तो आटा नहीं गूंदा। अभी मैं रोटी बनाती हूँ, जो कम पड़ेगा तो फिर आटा गूंदूंगी, क्योंकि मैंने दोपहर को दाल तो बना ली थी। अभी शाम हो गई, मगरिब हो गई और क्या चीज़ बनाऊँ। फिलहाल तो मेरे पास दाल ही रखी, मैंने दाल बना ली जल्दी जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी रोटी बनाते हैं, जब आटा कम पड़ेगा तो फिर आटा दूसरा गूंद लूँगी। मैंने इनको बिस्किट के पैसे दिए, ये चीज लेके आ गए। आया फातिमा ने तंग किया होगा, देखो तो ये बच्चों का हाल है। मैं कितनी चीजें ले आई हो, एक दो तीन चार, अल्लाह ये मेरी हैं और ये लंच इनको एक इसके और ये भी। देखो तो वो किसी को भी नहीं दे रही, वो भाग रही, मुझे दे दो मामा मुझे दे दो। दुकान जो है ना बंद, आयत आयत इधर आ, दुकान अम्मी बंद थी तो हम आंटी के घर गए थे वहाँ पास में। अच्छा घर से ले आए, इसीलिए बिस्किट नहीं ले आए, चीज ले आई, मुझे दे दो अभी, मुझे दे दो मेरी चीज, अम्मी मेरी चीज नहीं देती। अच्छा छोड़ दो कोई बात नहीं, अभी बिस्किट फिर बाद में ले लेना, जब दुकान भी बंद है तो फिर छोड़ दो। मैं बनाती हूँ रोटी, चूल्हा मैंने जला लिया क्योंकि चूल्हा जब मैंने जलाया इसलिए क्योंकि कमरा भी गर्म हो जाएगा और मैं भी रोटी बनाती हूँ। मेहमान आएंगे, सर्दी है तो थोड़ा हाथ वाथ सेक लेंगे, कमरा गर्म होगा, क्योंकि हमारे कमरे तो यही है, दो कमरे, ये लो दो कमरे, किचन भी यही है तो कमरा भी यही है, इसलिए जो है ना यहीं पे बैठ के खाना भी बनाते रहते और सोते भी इधर ही है। रोटी बना रही थी, मैंने तवा उतार दिया, मैंने कहा कि मेहमान आ गए, आवाज़ आ रही है बच्चों की, क्योंकि हमारा घर दो घर क्रॉस करके इधर घर है, तो इसलिए मैंने कहा कि पहले मैं उनसे मिल लूँ। आयत फातिमा भी आ गई, अम्मी आ गए, अम्मी अम्मी आ गए, आ गए आ गए, मैंने भी आवाज़ सुन ली थी मेरे कान। अच्छा पहला मेहमान हमारा इंटर हो चुका है, ये हमारे भाई भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भैया, ठीक ही है, सलाम कर मामू को। ये मामू मेरे भाई हैं, मक्सा ये मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अबू अबू, अस्सलाम वालेकुम, अबू जान भी आ गए, एक साथ आ गए।
ये देखे माशाल्लाह हमारे सारे मेहमान आ गए, गली जो है ना पूरी भर गई है क्योंकि इतना सहन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आयत डर रही है सबसे क्योंकि पहले मामू आया ना इसलिए उनसे डर गई है, तो इसलिए क्योंकि इतने दिनों बाद आते हैं ना फिर जो है ना ये डरती है। अब्बू के पास जा रही और किसी के पास नहीं जा रही। ये तो अभी मेहमानों से मिलते हैं और उनको पानी पूछते हैं, फिर आपके साथ तारुफ भी करवाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेहमानों को पानी वानी दे दिया है, अभी जो ना उन्होंने सांस वास ले लिया, थकावट दूर होगी तो खाना देते हैं। अम्मी जी ने कहा है कि आप उठ जाओ, मैं रोटी भी बनाऊंगी और जो ना आग भी सेकती रहूंगी। यहाँ पे दादा जान भी आ गए हैं मेहमानों का सुन के। आज कमरा फोल ले, आज अब्बा सारा कमरा फोल ले। मेहमानों में ये कौन है ये भी मैं आपको तारुफ करवाती हूँ, ये भी मेरी नंद है माशाल्लाह। जैसे हम लोग चार बहने हैं ना तो मेरी नंदे भी चार ही है माशाल्लाह। अल्लाह जिंदगी रखे, अल्लाह पाक इनको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और रास्ते मुस्कुराते रहे। तो अभी खाना इनको देते हैं। अब्बा तू सही बाहो खाओ, खाना भेज भाई क्यों नमाज पढ़ना। अच्छा माशाल्लाह, चलो चलो पढ़ गिनो। बाबा नमाज पढ़ लेंगे तो फिर खाना उनको भी भिजवा देंगे। तो अभी शुरू करते हैं क्योंकि बहुत दूर से आए ये बेचारे, बहुत दूर से मेहमान आए हमारे। मेरे को सर्दी लगी हुई थी, मैं रोटी पका दी ना तो सर्दी सेक गिना। सही बात है, चले तो अभी देती हूँ खाना, शुरू करते हैं। खाना मैंने दे दिया सबको और वो खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पे बच्ची जो है रो रही थी, मैंने कहा आप खाना खा ले सिस्टर, तो मैंने बोला मैं जो ना इसको जो है बेलाती हूँ। आयत फातिमा तो छोड़ ही नहीं रही जब जब से इसको देखा है। ये ननी परी जो है ना हमारे घर में पहली दफा आई है जब से ये पैदा हुई है माशाल्लाह, ये पहली दफा आई है। आयत के काम देखे माशाल्लाह, ऊपर चढ़ी है वो भी चुप कर गई, अब इसको चूसने भी दे रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। खुद बच्ची है और दूध दे रही हो। अच्छा कह रही दूध दे रही हूँ, चूसनी को कह रही दूध दे रही हूँ, वो भी चुप हो गई है। अब चूसनी दी है तो उसने माशाल्लाह। काका है, काका है, कह रही काका है। चलो छोड़ दो अब खेल रही हो, रो जाएगी, रोएगी फिर रोएगी। आयत आयत वो अभी आयत को ही देख के खुश हो रही, अब फिर से दे रही। अल्हम्दुलिल्लाह मेहमानों ने खाना वाना खा लिया है और जैसे खाना खाया बर्तन समेट रही थी तो ऊपर से लाइट भी चली गई है। अब मैंने बच्चे जो है ना बहुत ही शोर कर रहे थे, मैंने दूसरे कमरे में भेज दिया, मैंने कहा आप उधर बैठो और यहाँ पे हम व्लॉग भी बना रहे हैं और बड़े बड़े इधर ही बैठे दे रहा है। तो इसलिए अबू भी अपने मोबाइल छोटे की लाइट जला के बैठे हुए कि रोशनी आए। और मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी, मैंने कहा चलो गपशप भी करते रहे और इनके लिए चाय भी बना लूँ क्योंकि सर्दी में आए तो ये लोग जो है ना कह रहे हैं हमें चाय की तलब हो रही है, तो चाय भी बनाते हैं इनके लिए। और वो देखे अभी तक लाइट आई नहीं है, एक घंटा होने वाला है लाइट अभी तक नहीं आई। तो हमारी चाय को भी जोश जब आएगा तो फिर चीनी पत्ती डालूंगी। अभी ढक देती हूँ इसको। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान भी इकट्ठा कर लिया चाय का। अम्मी जी भी आ गई हैं यहीं पे, उनको तो अभी तक सर्दी नहीं उतर रही क्योंकि कब से आई हैं तो सर्दी अभी तक नहीं उतर रही क्योंकि सर्दी में आए ना। रोटी के आप बने चाह पके बैठे और अबू जी अपना मोबाइल की लाइट जला के बैठे हैं। इतना बड़ा मोबाइल है और रोशनी तेज है इनके मोबाइल की। और उधर अंधेरे में सिस्टर भी बैठी हुई है, भाई भी इधर पीछे बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए और बच्चों का बस मैंने खाली उधर भेज दिया क्योंकि आयत फातिमा जो है ना जब से अब्बू आया ना शाम मगरब के टाइम से तब से अब्बू की गोद में बैठी निकल भी नहीं रही, ना ही खाना खाने दिया सुकून से और ना ही कुछ कह रही क्या, बस मुझे उठाया के बैठे रहे। यहाँ पे ये देखे कैसे लाड कर रही है और हमारी चाय को माशाल्लाह अच्छे से जोश आ रहा है। मैंने चूल्हा जो है ना हल्का कर दिया क्योंकि जोश जब आया ना चाय गिरने वाली थी, तो मैंने अम्मी को बोला जल्दी से वहां से जो ना चूल्हा हल्का कर दे, इधर से बटन नहीं है वो इधर से है। तो यहाँ पे हमारी ननी परी भी जो न्यू आई है ना वो तंग कर रही थी तो नीचे लिटा है, तो माशाल्लाह खुशी से खेल रही है, अब खेल रही है माशाल्लाह। थकी हुई है ना इसलिए, दो घंटे का तीन घंटे का सफर था। तो ऊपर बच्चे भी आ गए हैं चाय का सुन के क्योंकि ये शौकीन है चाय के। अंधेरे में पक रही थी, भाईजान भी बैठे हुए और जो है ना बच्चों को जो है ना चाय की तलब है, तो इसलिए बच्चे आ गए हैं यहाँ पे। सुभान अपना नाम बताओ, सलाम करो। मेरा नाम मोहम्मद सुभान है, मैं वन क्लास में पढ़ता हूँ, मुझे चाय बहुत पसंद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीना फातिमा, मैं फाइव क्लास में पढ़ती हूँ। माशाल्लाह फातिमा भी आ गई, कह रही है उसको देखा ना अजान को फीटर पीते हुए तो कह रही मुझे भी फीटर दो, मेरी गोद में अब आ गई लेटने के लिए। तो अम्मी को मैंने दे दिया मग्गा, मैंने कहा जो है ना
आप इसमें चलाएं मगा क्योंकि जोश अच्छे से आ जाए। चाय जो है ना बिल्कुल तैयार है और अम्मी जी डाल के दे रही हैं क्योंकि आयत फातिमा मेरी गोद में आ गई है ना, तो अभी जो है ना मेरे उल्टे हाथ से मुझसे कोई काम ही नहीं होता। अबू जी ने अभी तक अपनी लाइट जो है ना मोबाइल की उठाई हुई है, बहुत ही तेज रोशनी है अबू के मोबाइल की। तो अभी सबको चाय देते हैं। आयत को ना नींद तंग कर रही इसलिए जो है ये उतर नहीं रही, अब गोद से निकल भी नहीं रही, गोद में ही लेटी हुई है, सो गई है। तो पहले मुझे ठंड लग रही है। अच्छा हाँ। अबू जी की ना आज गला खराब है, बुखार हो रहा है, तो कह रहे हैं मुझे गोली भी खानी, पैनाडोल और चाय भी सबसे पहले मुझे दे दो, मेहमानों को दो या ना दो। पहले मैं को दो। अच्छा चलो प्याला मुझे दे दो बस। प्याला अबू को चाह रहे हो? ये प्याला वाली दे दो। अभी बाजी को भी देते हैं, सिस्टर को और भाई को भी देते हैं। सबने चाय पी लिए, अम्मी और मैं बच गए थे। अभी अम्मी ने ना मेरे लिए और अपने लिए चाय डाल ली है और साइम जो है ना गया हुआ था दवाई लेने के लिए क्योंकि इसको जो है तीन चार दिन से गला खराब था, बुखार और जुकाम हो रहा है, खांसी भी आ गई है और जो है ना ये दवाई लेके आया, अभी इसको दवाई भी पिलानी है। हम सब भी उसके साथ में गई हुई थी और हमारे लिए जो है ना सिस्टर लेके आई थी मिठाई, तो सब ने मिठाई भी खाई है, चाय के साथ साथ मिठाई भी अलहमदा खा ली। हफ्सा साइम और अम्मी रह गए हैं, बाकी सब ने खा लिए। तो हफ्सा आपके लिए ये मिठाई भी है, आप भी उठा लो। अम्मी एक दिन एक घंटा हो गया अभी तक लाइट नहीं आई क्योंकि हम लोगों ने चाय भी पी ली, मिठाई भी खा ली, गपशप भी कर ली। अभी बिस्तर बनाने लाइट की वजह से हम लोग बैठे हुए हैं कि हम लोगों ने कहा कि लाइट आ जाए लेकिन लाइट नहीं आई। अभी चलती हूँ इसको भी सुलाती हूँ। तो वीडियो भी बहुत लंबी हो चुकी है, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।